उत्तराखंड में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को एक बार फिर से प्रदेश भर में पटवारी भर्ती पुनः परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा प्रदेश के कुल 498 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 1.5 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। पिछली बार हुई गड़बड़ियों को देखते हुए हर बात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं जब हमारी टीम ने परीक्षार्थियों से बात की तो परीक्षार्थियों की अलग अलग राय सामने आई। किसी ने सरकार के पक्ष में अपनी बात कही तो किसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल सरकार ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा सम्पन्न करा दी है। जो ये पेपर तो कैंसिल कराना जाना था, क्योंकि इतने जल्दी तो कोई पेपर बन नहीं सकता है और ये पेपर भी लीक ही हुआ है पहले से ही, तो कैंसिल नहीं। और पेपर भी टफ आया है काफ़ी इस बार, पेपर तो टफ ही था पिछली बार से तो, और इतना जल्दी पेपर बन गया है और इतना अच्छा पेपर भी, और इतना अच्छा अरेंजमेंट भी नहीं था यहाँ का, उनका बिहेवियर भी काफ़ी बच्चों, मेरी सिस्टर है इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इनको पानी ले जाना था, उन्होंने पूछा, उन्होंने इतना गंदा बिहेव किया, उसको रुला रुला के बोला कि पेपर नहीं देना आप निकल जाओ यहाँ से, बल्कि पानी तो नॉर्मल कोई भी दे देता है, वो ऐसा ही थे, ऐसा ही 2 स्टार उनका था, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उससे बिहेव किया। वो रो रो के पेपर, तो कल एडमिट होकर निकली हुई है। मेरा नाम योगिता मेहता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो नकल विरोधी कानून है ये ऐसे लूप होल ढूंढते हैं इस चीज़ के लिए, ये कहीं ना कहीं से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। वरना अभी तक जो सीबीआई की जांच की मांग करी वो क्यों नहीं कराया धामी जी ने? हिमाचल में जो सीबीआई की जांच होगी यहाँ की नहीं हो रही, उनको डर है उनके रिश्तेदार जो उनके सगे संबंधी है वो इस बीच में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पेपर इतने जल्दबाजी में कराया है। पुलिस का पेपर सर 165 नंबर वाले का एग्जाम नहीं होता है, और जो 160 155 उनका हो जाता है। मैंने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, मेरा भी रिटर्न क्वालिफाई हो रखा है, मेरा मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि नंबर आए, क्योंकि इन्होंने पहले से अपने लोग भरे हैं। ये डॉक्यूमेंट में कम से कम 700-800 बच्चे बाहर करेंगे, किस बेस पर ये बाहर करेंगे बच्चों को, ये भी तो देखिए ना। इन्होंने नंबर नहीं दिए बच्चों की, जो लिस्ट निकाली है इन्होंने, लिस्ट देखिए आपको एक बार अपनी लिस्ट देखिए, आपको लिस्ट देखिए लगा नहीं कि वो फर्जी लिस्ट है, आप खुद देखिए 40-44 बच्चों के नाम है जिसमें बहुत लेट आया है ये, और अब अगर लेट आया है तो इसकी खानापूर्ति करनी पड़ेगी। जो पुराने टाइम में जो इन्होंने लीक में जो सम्मिलित थे उन्हें मतलब उन्हें सजा मिले अच्छी तरह से, आगे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। इस प्रकार से जो उत्तराखंड सरकार ने दोषियों को जेल बना रहे हैं, काम क्या है, कितने सराहनीय कार्य है, जेल तो पहुँचा दिया है, उनका जमानत भी काफ़ी को मिल चुकी है, वो दुखद है, मतलब एक ना वो दुखद है जो उन्हें जमानत मिल रही है ऐसे बच्चों को, और वो अब बता रहे हैं कि वो फिर से इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं नकल में, जो अभी पिछली बार ये लीक हुआ उसमें भी किसी का नाम था कुछ ऐसा था उसमें, तो ये तो गलत है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान अली है। लोक सेवा आयोग ने अपना एक जो लिस्ट जारी की है पेपरों की, उस हिसाब से अगर पेपर होता तो बहुत सही रहता, लेकिन हाँ जो नकल हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से क्या पता जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। बाकी मेरा आयोग से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो हम युवाओं का साथ देते हुए और पेपरों को अगर टाइम पे करवाते रहेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जो पेपर जो लीक मामले में संलग्न थे उनको कहीं ना जेल बुलाने का काम भी किया है, कितना सराहनीय उनका वो कार्य था कि जिस प्रकार से युवा मेहनत करता है उसके बाद अपने पेपर देने आता है, कि युवाओं का धोखा होता है उसमें कितना आप कर। देखो सर, प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, बाकी हमें भी अपना काम करना ही है, कि गवर्नमेंट ने बोला कि पेपर है तो पेपर कर लो, तो हम तो पेपर देने आ जाते हैं। बाकी रही बात जो पेपर लीक करवाते हैं या जो पेपर खरीद रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा।